24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन पहली जमात की वाकिफियत आमा के बाब नंबर 14 पर है। उनवान है जमीन और आसमान। आइए एक नजर डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जमीन को एक सैयारे के तौर पर जान सकें, जमीन की साख्त के मुतालिक जान सकें, ये पहचान सकें कि जमीन खुश्की और पानी से मिलकर बनी है। दिन और रात के वक्त आसमान पर नजर आने वाले अजसाम को पहचान सकें, ये समझ सकें कि सूरज दिन के वक्त खूब रोशन होता है और हमें रोशनी और हरारत फराहम करता है, और ये पहचान सकें कि चांद और सितारे रात के वक्त आसमान पर चमकते हैं। बच्चों को बाप के उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हरफ़ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से दर्ज ज़ैल सवालात पूछें। हम जिस सैयारे यानी प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम क्या है? बच्चे यकीनन बता पाएंगे और उन्होंने लफ्ज़ प्लैनेट के बारे में भी सुन रखा होगा। अगर नहीं भी तो आप उन्हें कुछ तारुफ़ पेश कर सकते हैं कि प्लैनेट्स कितने हैं इस कायनात में, और उनमें से एक प्लैनेट जमीन है जिस पर हम रहते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे कि हम दिन के वक्त ऊपर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? इसका जवाब भी वो यकीनन दे पाएंगे कि आसमान नजर आता है। बच्चों को बताएं कि उनका अगला बाब जमीन और आसमान के मुतालिक है। बच्चों को इस बाब के दर्ज ज़ैल मशमूलात से आगाह करें। जमीन 8 सैयारों में से एक। जमीन की साख्त, आप बच्चों को बताएंगे कि आप इस बाब में पढ़ेंगे कि जमीन किस तरह की है, इसकी बनावट कैसी है, और फिर आप आसमान के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। अब हम आते हैं फरहंगे अल्फाज मानी की तरफ। सैयारा, वैसे तो ये ज़रा मुश्किल मौजू है क्योंकि पहली जमात के बच्चे ये मुश्किल से समझ पाते हैं कि सैयारा क्या होता है, लेकिन आप उन्हें सितारों की मिसाल देकर समझा सकते हैं कि आसमान पर जैसे सितारे हैं जो हमें बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं जमीन से हम देखें तो, और फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि सैयारे बड़े होते हैं और हर सैयारा किसी सितारे के गिर्द घूमने वाला कोई जिस्म होता है, कोई चीज होती है। और उन्हें यह भी बताएंगे आप कि सूरज सैयारा नहीं है, सूरज सितारा है, और सैयारे जो हैं वो सितारों के गिर्द घूमते हैं। मुसलसल, लगातार, जिसमें वक्फा ना आए, हरारत, गर्मी, हीट, चूंकि लफ्ज हीट से बच्चे वाकिफ हैं तो आप बता सकते हैं कि हरारत हीट को ही कहते हैं। मजमूआ, मिलकर बना हुआ, यानी अगर कुछ चीजों को जमा कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे हम उन चीजों का मजमूआ कहेंगे।
एक तिहाई किसी चीज का तीसरा हिस्सा, 1/3, यानी अगर किसी चीज को आप कोई मिसाल दे दीजिएगा इसको समझाने के लिए, एक तिहाई को, कि अगर हम फर्ज करें एक केक को तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, बराबर होना जरूरी है, तो उनमें से जो एक हिस्सा है वो पूरे केक का एक तिहाई होगा। मुश्तमिल, शामिल होना, आप इस लफ्ज के मानी समझाने के लिए बच्चों को कोई जुमला बोलकर सुना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि इस कमरा जमात का फर्नीचर कुर्सियों और मेज़ों पर मुश्तमिल है। बर्रियाज़म, खुश्की का बड़ा टुकड़ा। सिर्फ इतना कहने से शायद बर्रियाज़म के मानी बच्चे ना समझ सकें, तो आप उनको बताइएगा कि वो अगर दुनिया का नक्शा देखें तो उन्हें अलग नज़र आएगा कि बाएं हाथ पे अमेरिका नाम के दो बर्रियाज़म हैं जो दरमियान में बिल्कुल तंग सी जगह हो जाती है। इसी तरह जो दाएं हाथ पे जो बहुत बड़ा एरिया है उसमें, क्योंकि बच्चों ने नाम ये सुने हुए होंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वो समझ जाएंगे कि बर्रियाज़म। ये आज़म इसलिए कहा जाता है कि बड़े टुकड़े हैं। जब वक्त आएगा मोहतरम टीचर तो फिर हम बर्र सगीर की बात करेंगे, बर्र आज़म के साथ साथ पे बर्र सगीर यानी छोटा टुकड़ा, जो बर्र आज़म का ही हिस्सा होता है मगर उसको वो अलग सा होता है, इसलिए उसको बर्र सगीर कहते हैं, खुश्की का छोटा टुकड़ा। साख्त, बनावट, वसी, बहुत बड़ा, फैला हुआ। अजसाम, जिस्म की जमा, बॉडीज, कोई चीज, बेशुमार, बहुत ज्यादा, जिन्हें गिना ना जा सके, शुमार ना कर सके हम। आप बता सकते हैं बच्चों को कि शुमार करना के मानी है गिनना, और जब बेशुमार हम कहेंगे तो फिर उसके मानी हो जाएंगे कि जिन्हें हम गिन ना सके। अब हम आते हैं मतन से मुतालिक तशरीहात की तरफ। तो पहले तो आप उन्हें तफसील से समझाएंगे कि सैयारे और सितारे में फर्क क्या है। सैयारे, जैसे पहले बात हो गई, प्लैनेट्स को कहते हैं, और 8 सैयारे हैं जिनमें से जमीन एक सैयारा है, उसके अलावा मरीख है। वो चूंकि अभी बच्चों को उनके नाम नहीं मालूम, लेकिन आप उन्हें बता सकते हैं कि सैयारे जो हैं, हर सैयारा वो किसी न किसी सितारे के गिर्द घूमता है, और सितारों की मिसालों में सूरज सबसे बेहतरीन मिसाल है। सूरज एक सितारा है और ज़मीन एक सैयारा है, तो जमीन घूमती है सितारे के इर्द गिर्द। ग्लोब क्या है? आप बच्चों को बताएंगे कि एक तो होता है नक्शा, दूसरा है ग्लोब। ये दोनों चीजें जमीन को जाहिर करने के लिए बनाई गई होती है। अब नक्शा जो है वो तो बिल्कुल एक कागज पर, एक सतह पर बना होता है, लेकिन जमीन की शक्ल ऐसी नहीं है। जमीन की शक्ल चूंकि ओवल है, एक अंडे की शक्ल है, वो फिर एक ग्लोब भी मिलता है। ये उम्मीद है कि आपके स्कूल में भी होगा ग्लोब, नक्शे भी होंगे, तो आप बच्चों को ग्लोब लाकर दिखाएंगे और उसको इस्तेमाल कि वो आप हाथ से उसको घुमा सकते हैं, और जैसे जैसे घुमाएंगे उसकी जो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके हैं वो आपके सामने आते जाएंगे। फिर सवाल है कि चांद रोशनी कहाँ से लेता है? चांद सूरज से रोशनी लेता है,
میں اتنا بتانا کافی ہوگا. جیسے زمین پر روشنی جو پہنچتی ہے وہ سورج سے پہنچتی ہے، لیکن رات کو جب چاند روشن ہوتا ہے تو روشنی تو وہ سورج سے لیتا ہے، لیکن پھر وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور چاند ہمیں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا نظر آتا ہے، اور پھر جو چاند کا مہینہ ہے اس کے درمیان میں یعنی 14 تاریخ کو چاند پورا ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. صفحہ نمبر 71 پر یہ سرگرمی ہے کہ دیے گئے گلوب کے خاکے میں خشکی والی جگہ میں سبز اور پانی والی جگہ میں نیلا رنگ بھریں. یہ حاصل تعلم نمبر 3 ہے. تو سرگرمی یہ کروانی ہے کہ گلوب کی مدد سے سمندروں اور براعظموں کی پہچان کرائیں. اس کے لیے میں ذاتی طور پر محترم ٹیچر یہ سمجھتا ہوں کہ گلوب بھی یقیناً بہت مفید ہے، اس کی مدد سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن نقشہ بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ سمندر کہاں کہاں ہیں اور براعظم کہاں کہاں ہیں، اس کے لیے نقشہ زیادہ مفید ہوگا، کیونکہ نقشے پر تمام کا تمام زمین جو ہے، جو پلانٹ ہے، یہ نظر آتا ہے. اور پھر آپ بچوں کو اور بچے اس کو آسانی سے پوری جماعت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے نقشہ، اور پھر آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں، ایک نظر بھی آپ ڈالیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ زمین پر پانی کتنا ہے اور خشکی کتنی ہے، اور پھر آپ براعظموں کی ان کو پہچان کرا سکتے ہیں کہ بائیں ہاتھ پہ شمالی امریکہ، اس کے نیچے جنوبی امریکہ، اور پھر آپ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں جو باقی سارے جو براعظم ہیں ان میں اوپر یورپ آ جائے گا اور نیچے پھر ایشیا اور افریقہ آ جائیں گے، پھر آسٹریلیا آ جائے گا اور 8 پھر انٹارکٹیکا، یہ 8 براعظم آپ کو نظر آئیں گے، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں. دوسری سرگرمی ہے کہ یہ صفحہ نمبر 72 پر ہے، اور یہ ہے کہ رات کے وقت آسمان کو غور سے دیکھیں اور اگلے دن کمرہ جماعت میں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا. یہ اس میں میں نے ذرا تبدیلی کی ہے، اصل سرگرمی تو یہ تھی کہ رات کے وقت آسمان کو غور سے دیکھیں آپ کو آسمان پر کیا نظر آیا. اب یہ تو نامکمل سرگرمی ہے، اور جیسے میں محترم ٹیچر کہتا رہا ہوں پہلے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق سرگرمیوں کو ذرا تبدیل کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے. اب ہم اس کو یہاں تو نہیں چھوڑ سکتے کہ بچوں نے رات کے وقت آسمان کو غور سے دیکھا اور آپ کو آسمان پر کیا نظر آیا. وہ اگلے دن آ کے کمرہ جماعت میں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا. اب زمین کے اوپر تو پھر سارا آسمان ہے، وہ ستارے بتائیں گے، اگر چاند ہے تو چاند کا ذکر کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ صفحہ نمبر 72 پر ہے، اور حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 4. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، یہ آخری سیشن تھا پہلی جماعت کی واقفیت عامہ کا. آپ سے اب ملاقات ہوگی دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے پہلے باب کے ٹیوٹوریل پر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.